A4 both side. A436 Wi-Fi machine है, Gibson 436 NDA, L6170 Wi-Fi मशीन है, जो कि अपने मोबाइल WhatsApp वगैरह मोबाइल से भी प्रिंट छोड़ वाई फाई के द्वारा भी प्रिंट छोड़ सकते हैं। ये इप्सन की मशीन है, ये देखिए, मोबाइल से डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद ये मशीन ऑटोमेटिकली बिना तार के वाईफाई के जरिए किसी भी प्रकार का प्रिंट आगे पीछे डुप्लेक्स प्रिंटिंग भी निकाल सकती है। सिंगल साइड बहुत बेहतरीन मशीन है। फोटो ग्लॉसी पेपर में भी अपन प्रिंट निकाल सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये ऑटो फीडर है, इसके द्वारा भी ऑटोमेटिक प्रिंट डाल सकते हैं इसमें। डायरेक्ट में ऑटो फीडर में पेपर डाल दीजिए। ये देखिए, पेपर सेटिंग का भी यहाँ पे इसमें ऑप्शन, ये आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ देखिए A4 लिखा हुआ, ये देखिए A4, ये यहाँ से दिख रहा है, ये A4 लिखा हुआ है, और लीगल पेपर भी इसमें डाल के अपन प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन मशीन है, और इसकी रेंज मार्केट में 18,000 से 20,000 के बीच में ये मशीन मिलती है, और इसमें ये देखिए स्कैनर भी है, और ग्लॉसी पेपर पे आप फोटो प्रिंट भी निकाल सकते हैं 4x6 का, जिसमें पासपोर्ट साइज 8 कॉपी बनती है। और ये इसका ट्रे है, जिसमें आपको यहाँ पे जो भी प्रिंट आता है वो आ जाता है। और ये इसमें डिस्प्ले है, बहुत बेहतरीन डिस्प्ले है, ये देखिए। इसके अलावा ये टैंक दे रखा है, देखिए, ये बाहर से भी डिस्प्ले कर सकता है कि कितना टैंक कौन सा खाली है, भरा हुआ है CMY के। और मशीन को ये खोलने के बाद आप देखिए, ऐसी मशीन दिखती है अंदर से। ये हेड है जो प्रिंटिंग करता है अंदर से, ये वाला हेड है। और ये देखिए प्रिंटिंग है, इसमें आप खोल के इंक भी डाल सकते हैं, इसकी पॉट्स आती है, ये सारे आप डाल सकते हैं। बहुत आसान है, इंक फिलिंग भी बहुत बेहतरीन है, और कलर प्रिंटिंग भी ये निकालती है, कलर प्रिंटिंग आराम से निकाल देगी। प्रिंटिंग के लिए इप्सन, जो कि आप जानते होंगे, फोटो प्रिंट के लिए बहुत बेहतरीन मशीन है, और A4 साइज का फोटो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंटिंग भी निकाल सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। यदि हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके बारे में और भी पूरी जानकारी मैं दूंगा कि इसमें प्रिंटिंग कैसे निकलती है, ऑनलाइन कैसे आप वाईफाई के जरिए कैसे प्रिंट निकाल सकते हैं, ये देखिए। और पेपर ट्रे के बारे में जानकारी नहीं दी, ये है पेपर ट्रे, ये A4 साइज की पेपर इसमें आप डाल सकते हो। और ये मैं इसको ढक देता हूँ, इसमें एक और है दिक्कत आती है, तो वो उसका मैं बता रहा हूँ। इसमें कभी कभार बाई चांस कभी हर मशीन में दिक्कत आती है कि भाई पेपर जाम हो गया, पेपर जैमिंग के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, यहाँ बटन दे रखे हैं, ये देखिए। तो इसको प्रेस करने के बाद ये देखिए अंदर ये दबता है अंदर, तो दोनों साइड में दे रखा है, तो इसको दोनों साइड में दबा के आप खींच सकते हैं, ये बाहर निकल जाएगा और पेपर आप जैम हुआ निकाल सकते हैं। बहुत बेहतरीन मशीन है, इसमें कोई जैमिंग की प्रॉब्लम आती नहीं वैसे, और इसके बारे में पूरी डिटेल देंगे। और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इप्सन पे आधारित जो और भी वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको बताऊंगा कैसे इसमें डुप्लेक्स प्रिंटिंग कर सकते हैं, आई कार्ड प्रिंटिंग कर सकते हैं, और कलर प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं, इसमें सारी सेटिंग दी हुई है, आगे पीछे प्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं, ऑटो फीडर से
कैसे ये ऑटो फीडर से कैसे प्रिंटिंग करेंगे इसके बारे में पूर्ण जानकारी दूंगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाना जिससे आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।